अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विद मी ज़ारना कौन मसाला टीवी। आज के इस एपिसोड में हम आपको कीश बनाना सिखाएंगे। यस, ओनली वन रेसिपी बिकॉज द कीश रेसिपी इज क्वाइट लेंदी। हम आपको पेस्ट्री बनाना सिखाएंगे यूजिंग डॉलन्स अप्लायंसेज, उसके बाद हम अगेन यूजिंग डॉलन्स अप्लायंसेज उसका फिलिंग बनाएंगे और उसको बेक करेंगे हम डॉलन्स के बिल्ट इन अवन में। ठीक है, उसको हमने प्री हीट कर दिया है। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल, बट आपको पेस्ट्री को एक दिन पहले या एटलीस्ट 4-6 घंटे पहले बनाना पड़ता है। सो ये मैंने पहले बना ली थी पेस्ट्री और मैंने एक टिन में रख दिया था, और जो टिन है ना वो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये लूज बॉटम टिन है, ये देखें। ठीक है, ये निकल जाता है, बेस लूज है इसका। तो इसमें मैंने बना के इस पेस्ट्री को यहाँ रख दिया है। इसको आपको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट्स वाई एक दिन पहले बना लीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा क्लिंग लगा के। ये मैं महीनों तक बहुत सारे डोज बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। रात में आप थॉ कर दीजिए और बस, डॉलन्स का रेफ्रिजरेटर है ना। चलिए अब हम सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। 200 ग्राम मैदा लेंगे, एक अंडा है ठंडा जो होना चाहिए, पानी जो ठंडा होना चाहिए 2-3 टेबलस्पून, उसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, और मैं यहाँ मेरे पास है फीका अनसॉल्टेड मक्खन 100 ग्राम जितना। ये रेशियो आप याद रखिएगा, इस पेस्ट्री के लिए मक्खन, अंडा और पानी यक ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं है, पिघला हुआ नहीं है। अगर बाहर रखा भी हो फ्रीज़र में रख दीजिएगा। ठीक है जी, सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज स्टिक ब्लेंडर के साथ जो ये चॉपर का अटैचमेंट था, बिकॉज मुझे छोटे छोटे क्रम्स करने हैं। सो, अगर मुझे मक्खन के छोटे क्रम्स करने हैं तो फिर उसके लिए ये बेहतरीन रहेगा। ये सब कुछ करते हैं हम आपके सामने, लेकिन मुझे इसको बेक करने रखना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, चूंकि फिलिंग में अंडे जाएंगे तो मैं और अंडा नहीं तोड़ूंगी, इसी में से थोड़ा सा हम ब्रश करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे। आपने अंडा थोड़ा सा ब्रश करना है इस तरह, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर रखेंगे बेक ब्लाइंड करने के लिए पेपर, इस तरह का कोई भी पेपर ले लीजिएगा, ग्रीस प्रूफ पेपर, और आप इसके ऊपर इस तरह पूरा बिछा दीजिए। और वी हैव टू वे दिस डाउन ताकि ये राइज ना हो। तो मेरे पास यहाँ लोबिया है, कोई भी दाल ले लें, लोबिया ले लें, चावल ले लें, आप सेरेमिक बीन्स रख सकते हैं जो खास पकाने वाले ये पाए बीन्स होते हैं वो। और हम इसको अवन में पहले रख देते हैं, जब तक ये होता रहेगा मैं पूरी पेस्ट्री भी आपके सामने बनाऊँगी। ठीक है, ठीक है नाजरीन, ये देख लिया आपने, ये मैंने अंदर रख दिया है बेक होने के लिए। अभी ये 10 से 15 मिनट बेक होगा, बेक ब्लाइंड इसको कहते हैं। इसको हम बेक करेंगे और फिर हम इसको अंडा लगाएंगे और फिर हम इसको आराम से और मज़ीद बेक करेंगे बीन्स निकाल के। सो आप देखते रहिएगा हमारा शो और कीश कैसे बनाते हैं फ्रॉम स्क्रैच सीखिएगा। ओके, मीनवाइल 100 ग्राम मक्खन और मेरे पास यहाँ मैदा है 200 ग्राम, इसको हम साथ मिक्स कर देते हैं मशीन में डॉलन्स का स्टिक ब्लेंडर। ब्रेड क्रम्स की शक्ल इख्तियार करे मक्खन, तब आपने उसमें अंडा, ठंडा पानी और नमक डालना है। खोल के देखते हैं, या अब एक बड़ा सा बोल देती हूँ, हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन हाथ की हीट नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी जब आप ऐसी पेस्ट्री बना रहे हों। ठीक है, देखा आपने, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितनी अच्छी तरह मक्खन जो फ्रीजर का निकाला था मैंने, वो अच्छी तरह अंदर ऐसे हो गया जैसे क्रम्स अब लग रहे हैं। अब आप इसमें एक अदद अंडा डालेंगे और आप इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी भी मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगी, आप इसको ऐसे ही करिएगा यूजिंग अ स्पून और अ स्पैचुला। ये आपकी पेस्ट्री है, ये मैंने सुबह में बना ली थी ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं जब उसको रोल करना है आपने। ये आप बना के ठंडा करने फ्रिज में रख दीजिए एटलीस्ट 4-6 घंटे, प्रेफरेबली ओवरनाइट। फिर निकालिए, फिर बेलन लीजिए, उसको बेल दीजिए जो साइज़ आपके पाई टिन या कीश टिन का है उससे थोड़ा बड़ा, बिकॉज़ ये जब
बेक होगा तो ये सुकड़ेगा, तो फिर ये थोड़ा श्रिंक होगा तो कम लगेगा ना, फिलिंग अंदर अच्छी तरह बैठे। फिलिंग में हम चिकन है, मशरूम्स हैं, लहसुन है, प्याज है, नमक है, आप इसमें काली मिर्चें, ओरिगैनो कुछ भी डाल सकते हैं, चीज़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आप उसमें चीज़ नहीं डालिएगा। मैं चीज़ के साथ दूध और क्रीम और अंडे भी मिक्स करूँगी, ठीक है। चीज़ हम सिर्फ चेडर का यूज़ करेंगे, हम मोज़रेला वगैरह, वी डोंट वांट अ स्ट्रेची कीश। अब इसको आपने अच्छी तरह हाथ से मिक्स करना है और इसमें आपने ठंडा पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, एक से दो चम्मच बस जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, नरम नहीं चाहिए हमें। फिर आप इसको गूंद लीजिए, इसमें कोई फ्लेवरिंग्स डालने हो तो कोई हर्ब्स एंड स्पाइसेस डाल सकते हैं ड्राई फॉर्म में। कीश में फिलिंग्स आप बहुत सारे कर सकते हैं, पालक कर सकते हैं, सॉसेजेस कर सकते हैं, सिर्फ टमाटर और कोई हर्ब्स कर सकते हैं, मशरूम सिर्फ कर सकते हैं, चिकन मशरूम और सॉसेज कर सकते हैं, स्मोक्ड जो चिकन के स्लाइसेस आते हैं वो, पेपरोनी भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन एंड मशरूम सबका फेवरेट है। अभी अच्छी तरह पानी भी अंदर मिक्स हो गया, अंडा भी हो गया, पानी, अंडा और मक्खन बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। फिर आप इसको हाथ से गूंद के पेस्ट्री फॉर्म में बना के रख दीजिए, ठीक है। मगर मक्खन को मैदे के साथ इस तरह आपने चॉपर के साथ करना है ताकि वो छोटे क्रम्स हो जाएं, हाथ से नहीं करिएगा वो, हाथ की बिल्कुल हीट नहीं लगनी चाहिए इस पेस्ट्री को। ये शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है, ये फीकी वाली शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है कीश के लिए। इसी तरह कोई टार्ट बना रहे हैं जो मीठा हो, उसमें आप थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं, देख लिया। अब आप इसको हाथ से गूंथ के रख दीजिए एंड देन क्लिंग लगा के फ्रिज में रख दीजिएगा। फौरन नहीं बेलिएगा, आप ना बेल सकेंगे, और वो अगर बेलना भी है, बहुत अर्जेंट है, इमरजेंसी है, आपको बनाना है, तो फिर आप दो पेपर्स लीजिएगा, ग्रीस प्रूफ पेपर, जैसे मैंने अभी पेपर का इस्तेमाल किया था, एक को रखिएगा, उसके ऊपर ये डो डालिएगा, थोड़ा सा और मैदा छिड़किएगा, फिर ऊपर दूसरा पेपर रखिएगा और बेलन के साथ बेल लीजिएगा, वो आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि ये ताज़ा है अभी, तो मुझे शायद थोड़ा सा डो गूंदने में मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। वी आर यूजिंग डॉलेंस रेफ्रिजरेटर, जिसमें सब्जियां फ्रेश रहती हैं 20 दिन तक, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, 12 साल की कंप्रेसर वारंटी है। जस्ट यूज़ अ बिट ऑफ मैदा एंड आप उसको गूंद लीजिए, ठीक है। दिस इज़ योर कीश का डो रेडी। और मैं अब ऐसे करती हूँ, ब्रेक की तरफ चलती हूँ, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी इन आवर डॉलेंस रेफ्रिजरेटर, क्लिंग लगा के, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब कीश बनाऊँगी तब मैं इस्तेमाल करूँगी। हम क्लीन अप भी करेंगे, आके हम ये चिकन कैसे पकाते हैं फिलिंग का, वो आपको सिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए गेट सेट कुक बाय डॉलेंस विथ मी ज़ारनक ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब हम फिलिंग बनाते हैं जब तक हमारा कीश का पेस्ट्री हो रहा है, ठीक है। डॉलेंस का हम चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है और इजीली आप इसको क्लीन कर सकते हैं, टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा तेल आपने लेना है। अब जो भी चीज़ें आपको पकानी है, बॉयल चिकन से नहीं शुरू करिएगा प्लीज़, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ टू बी कुक्ड, बिकॉज अंदर हम अंडे फिर कुक करेंगे, हम फिलिंग नहीं कुक करने के लिए वेट करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, छोटी सी एक प्याज आप चॉप करके डाल दीजिए, दो तीन लहसुन के जवे डालिए और इसको आप सॉटे कर दीजिए ऑलिव ऑयल या रेगुलर ऑयल में। बहुत थोड़ा सा तेल लीजिएगा, वी डोंट वांट इट वेरी ऑयली, ठीक है। ये देखें, ठीक है, आप इसका कलर नहीं चेंज करिएगा, बस ज़रा सा ये सॉटे हो जाए तो फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, मशरूम्स डालेंगे, आप इसमें सॉसेज डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। ऑफकोर्स सीजनिंग्स भी इसमें जाएंगी, तो नमक और काली मिर्चें मैं चिकन पे ही डाल देती हूँ, ठीक है। ये नमक और काली मिर्चें, इसको फिर हम हटा देते हैं। प्याज और लहसुन सॉटे हो जाए तो आप चिकन डाल दीजिएगा, एक चिकन ब्रेस्ट फिले है जिसको हमने नमक और काली मिर्चों के साथ 2 मिनट के लिए बस मैरिनेट अभी कर दिया था, और आप इसको चलाते रहिए ताकि चिकन नीचे लग ना जाए। बहुत थोड़ा सा आपने पानी डालना है, ठीक है, जस्ट टू कीप इट नाइस एंड मॉइस्ट, अदरवाइज ज़्यादा पानी नहीं डाल दीजिएगा, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। अब आप इसमें मशरूम्स भी शामिल कर देंगे, स्लाइस किए हुए 4-6 मशरूम्स लीजिएगा। बटन मशरूम्स अगर आप टिन वाले यूज़ कर रहे हैं तो फाइन, अगर आपको
फ्रेश मशरूम्स यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें से पानी बहुत छूटेगा, फिर आप उसमें अलग से चिकन में पानी नहीं डालिएगा। और अगर हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, फिलिंग ड्राई होनी चाहिए। अगर इसमें पानी रह जाए तो फिलिंग को कीश में, पेस्ट्री में डालने से पहले छन्नी में रख के छान लीजिएगा ताकि एक्सेस पानी इसका निकल जाए। मैं इसको कुक डाउन कर दूंगी, चिकन इसी में पक जाएगा। जो भी आप फिलिंग डालें उसको प्लीज़ कच्चा नहीं रखिएगा। ब्लांड होता है कीश, आपको पता है ना, फीका होता है, बहुत ज़्यादा कोई तीखा मसाले इसमें नहीं होते हैं। चिकन अभी थोड़ी सी पिंक है, लेट्स कुक दिस प्रॉपरली। अच्छा, मीनवाइल मैं क्या करूँगी, यहाँ मेरे पास क्रीम है, थोड़ा सा दूध है और अंडे हैं। ओके, सो इसमें डाल देते हैं, 3 अदद अंडे हैं, थोड़ा सा अंडा मैंने, याद है ना आपको, रखा हुआ था। और थोड़ा सा हम यहाँ ब्रश पे लगा देते हैं, इन केस वी नीड टू ब्रश आ पेस्ट्री अगेन। थोड़ा सा आप 1/4 कप जितना इसमें दूध शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें हम क्रीम डालेंगे, ये टेट्रापैक की क्रीम है। सब कुछ अच्छी तरह हम विस्क कर देंगे, विस्क अटैचमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जा रहे हैं डॉलन्स का, जो स्टिक ब्लेंडर के साथ है। ये देखा आपने पानी कितना इसमें से निकल रहा है, मशरूम्स में से, चिकन में से, इस पानी को आपने निकाल देना है। बस अब ये हो गया है, अब इसको ओवर कुक नहीं करिएगा, चिकन ब्रेस्ट है तो फिर वो हार्ड हो जाएगी अगर आपने इसको ओवर कुक किया। बस चिकन पिंक ना रहे, ठीक है, कच्ची ना हो बिल्कुल। बस इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग आर स्टिक ब्लेंडर मगर विद द विस्क अटैचमेंट, इसको आपने अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया, नाइस एंड स्मूथ, एक्सेलेंट, मशीन्स आर एक्सेलेंट, सारे अप्लायंसेस डॉलन्स के रियली नाइस। आराम से इसको हम पोर भी कर देंगे। अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो डन। पेस्ट्री को अब मैं निकालती हूँ और यहाँ लेके आती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ फिर क्या करना है ना, गोल्डन हो गई है हमारी पेस्ट्री, इसको निकालते हैं। एक प्लेट ले लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी हॉट, सो बी केयरफुल। आराम से आप इसको और यहां ये सारे बीन्स रख दीजिए, इन बीन्स को हम दोबारा यूज करेंगे, ठीक है। रीयूज करते जा रही हूँ मैं तो कितने सालों से ये बीन्स को। ओके, नाउ आप इसको पेस्ट्री को ब्रश करेंगे विथ एग अगेन और फिर आप इसको रख देंगे दोबारा हल्का सा बेक होने के लिए, जस्ट अबाउट 5 मिनट्स, और फिर आप उसके ऊपर ये चीज़ें रखेंगे। ये प्रोसेस लंबा है इसलिए मैंने इस एपिसोड में सिर्फ एक रेसिपी रखी थी ताकि आप लोग भी, हमारे नाज़रीन, आराम से फॉलो कर सकें। ठीक है, जस्ट 5 मिनट्स इसको हो जाने दीजिए, फिर हम क्या करेंगे उसके ऊपर फिर हम उसको निकालेंगे। तो ये अंडा जो हमने ब्रश किया है ना, दिस विल हेल्प योर पेस्ट्री टू स्टे क्रिस्प। अगर आप ये अंडा नहीं लगाएंगे तो जो भी आप फिलिंग डालेंगे वो सॉगी कर देगा आपकी पेस्ट्री को। ये कीश की रेसिपी मेरी बहुत ही क्या कहते हैं, प्राइज़ विनिंग टाइप रेसिपी है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई की है, मैंने अपने शो पे भी बनाई है विथ लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस। तो आप ज़रूर नोट करिएगा और बनाइएगा यूजिंग डॉलन्स अप्लायंसेज। तो हम इसको निकालेंगे, उस पर ये चिकन और मशरूम्स डालेंगे, उसके ऊपर फिर ये जो मैंने ब्लेंड कर दिया है अंडे, क्रीम और दूध, वो डालेंगे। अब मिर्च मसाला कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, हम चिकन डाल चुके हैं। सिर्फ एंड में 2 चीज़ें ऊपर जाएंगी, चीज़ है और ओरिगैनो है या मिक्स्ड हर्ब्स थोड़े से स्प्रिंकल करके 10 से 15 मिनट आप दोबारा डॉलन्स के बिल्टिन ओवन में रख दीजिएगा, बेक हो जाएगा। ऊपर से चीज़ जब गोल्डन हो जाए
तब आप निकाल दीजिएगा। कीश को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं, वरना जो अंडे क्रीम वगैरह है वो बहुत सख्त हो जाता है। थोड़ा सा जिगली हो तभी निकाल दीजिएगा, जब थोड़ा ठंडा होगा खुद ब खुद वो सेट हो जाएगा, ठीक है, ओवर कुक नहीं करिएगा। ऐसे करते हैं हम एक क्लीनअप ब्रेक ले लेते हैं। आप देखते रहिए गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विथ मी ज़ारना ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। देखिए मैंने कहा था ना 5 मिनट के लिए हमें रखना है, तो ये बिल्कुल अंडा ऊपर जम सा गया है और ये बिल्कुल अच्छा सा हो गया है। अब इसके ऊपर हमने ये पूरा फिलिंग डाल देना है, ठीक है, और अब आपने इसके ऊपर ये पोर कर देना है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लवली स्पाउट। अंडे क्रीम और दूध था ये। अब चीज जाएगा, चेडर चीज है ये, मोज़रेला नहीं यूज करिएगा, ओके, देयर इज ओनली चेडर ऑन टॉप, या और कोई चीज आपके पास हो तो, बट नॉट, हमें स्ट्रिंगी नहीं चाहिए। ये चीज चला गया, अब हम डालेंगे इसके ऊपर कोई भी मिक्स्ड हर्ब्स आपके पास हो वो डाल दीजिए थोड़े से, एंड पुट दिस टू बेक अगेन, ठीक है। अब 20 से 25 मिनट ये बेक होगा। ओके, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये सारे डिग्रीज हैं, हम 180 डिग्रीज पे रख रहे हैं जो कि यहाँ है। फिर ये जो है ना, ये टाइमर है, अगर आप इसको इस तरफ घुमा देंगे ना एंटी क्लॉकवाइज तो ये टाइम फ्री हो जाएगा, फिर टाइमर आपका नहीं बजेगा। अगर आप कहीं काम में बिजी हैं, 20 मिनट्स कहाँ निकल गए आपको पता नहीं चला, तो फिर आप इसको टाइमर पे लगा दीजिएगा 20 मिनट पे। सो लेट दिस बेक नाउ। ये जो कस्टर्ड है हमारा अंडा दूध और क्रीम के साथ जो मैंने बनाया था वो भी बेक होगा, और चिकन तो ऑलरेडी कच्ची है ही नहीं, पकी हुई है, हमारा पेस्ट्री का बेस भी हो गया है। फिर उसको निकालिएगा, आहिस्ता से नीचे का बेस उठाइएगा और फिर आप जाली पर रख के उसको ठंडा करिए या फौरन गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। मैं कीश एक सैलड के साथ या पोटैटो सैलड के साथ नॉर्मली सर्व करती हूँ। यू कैन ऑल्सो हैव इट कोल्ड। कुछ लोगों को फ्रिज में से निकाल के कीश के स्लाइसेस खाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रूम टेम्परेचर पर, मैं तो इसको रूम टेम्परेचर पर सर्व करती हूँ, नेवर वार्म। समहाउ आई हैव ऑलवेज सर्व माई कीश रूम टेम्परेचर पर, ना ठंडा ना गरम अवन में से, बिकॉज इट्स नॉट अ पिज्ज़ा। इसको गरम नहीं सर्व करते हैं, इसको रूम टेम्परेचर पे सर्व करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए बस आई एम जस्ट वेटिंग कि ये जल्दी से बेक हो जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं। ईश पेस्ट्री के लिए अज्जा, मैदा 200 ग्राम, नमक एक चुटकी, अनसॉल्टेड कोल्ड बटर 100 ग्राम, कोल्ड एग एक अदद, ठंडा पानी 2 खाने के चमचे, फिलिंग के अज्जा, क्रीम 8 ounce, चिकन ब्रेस्ट चॉप्ड 2 अदद, चॉप्ड मशरूम 1/4 टुकड़ा, चॉप्ड लहसुन 2 जवे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, तेल 1 खाने का चमचा, कद्दूकश, चेडर चीज़ 6 खाने के चमचे, नमक, काली मिर्च हसब ज़ायका, ओरिगानो 1 चुटकी। तरकीब, पेस्ट्री के लिए मैदा, नमक और मक्खन फेंट लें। अब इसमें ठंडा पानी और अंडा डालकर डो बनाएं और ढककर 1 घंटा फ्रिज में रख दें। फिर इसे रोल करके कीश के टिन में रखें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में बेक करके निकाल लें। अब इसमें फिलिंग के तमाम अज्जा शामिल करके मज़ीद 20 से 25 मिनट बेक करके सर्व करें। ओके जी, तो अवन में से मैंने निकाल दिया है, 20 से 25 मिनट आपको इसको फिलिंग डालने के बाद बेक करना है, ठीक है। बहुत ब्राउन हो गया है, बहुत ही अच्छा एफिशिएंट हमारा बिल्ट इन अवन है डॉलन्स का। डॉलन्स के तमाम अप्लायंसेस आर रियली वेरी गुड। बिग थैंक यू टू एवरीवन हु हैज़ सपोर्टेड अस इन दिस शो, और आप भी इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज देखिएगा, ये शो देखिएगा, बहुत सारे एपिसोड्स अभी बाकी हैं, तो हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। और कीश इज़ टर्न आउट नाइस। आप इसको किसी सैलड के साथ सर्व कर दीजिएगा, प्लेन ऑन इट्स ओन भी कर दीजिएगा, सॉसेज का फिलिंग, चिकन का, मशरूम का, प्लेन स्पिनच का, टमाटर और चीज़ का, ये भी बहुत अच्छा रहता है। सो दिस इज़ योर बेसिक शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री कीश के लिए। इसका फिलिंग मैंने बता दिया है और कस्टर्ड कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया है। सो आई होप आप ट्राई करेंगे ज़रूर। चलिए जी, अब आप दीजिए मुझे इजाज़त, मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। देखते रहिए गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विद मी ज़ारना ऑन मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज़।
masala to your life.